हरियाणा के पलवल जिले के होडल शहर में पानी पीने को लेकर तबलीगी जमात के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और इसी बाबत होडल थाना पुलिस ने 10 अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 128, 149, 323 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात के साथियों को पानी झूठा करने के आरोप में उनके साथ मारपीट की गई। मौलाना लुकमान ने बताया कि इस जमात में आंध्र प्रदेश के 9 साथी शामिल थे। जमात के साथी किसी काम से आगरा गए थे, जिन्होंने रोजा रखा था। लौटते वक्त फरीदाबाद होटल के हसनपुर चौक पर रोजा इफ्तार करने के लिए फ्रूट्स, पानी आदि का इंतजाम किया और वहां रखे दुकान पर पानी के जग से पानी पिया, जहां ये पूरी घटना हुई। आइए सुनवाते हैं कि आखिर क्या कहना है मौलाना लुकमान का। क्या घटना है? सच्चाई ये है, ये 9 साथी थे आंध्र प्रदेश से, यहां जमात में आए हुए थे। ये आगरा से आ रहे थे, इनमें से 2-3 साथी रोजे से थे। तो जब शाम को ये आ गए तो रोज़ा का टाइम हो गया, तो होटल हसनपुर जो चौक है यहाँ शाम को रुक गए, तो वहाँ एक दुकान में पानी के लिए ये गए हैं। तो जैसे आए तो इन्होंने क्या करा बेचारों ने, ये रोज़ा से थे, पानी ले रहे थे, तो वहाँ एक पानी का मेज़ जग रखा हुआ था, उसमें से पानी लिया था। बस ये बात हुई थी, तो इसको देख कर वहाँ जो लोग थे उनसे बात बर्दाश्त ना हुई और इनको देखते ही पीटना शुरू कर दिया। सब साथियों को मारा, बुरी तरह मारा है और बहुत सारी चोटें भी हैं सब साथियों के। और फिर वो जब भीड़ ने मारा पीटा, कुछ बेचारे भाग गए हैं, एक साथी अब भी गायब है जो हमें नहीं मिल रहा है। तो पुलिस को शिकायत दी आपने, पुलिस ने क्या करा? हाँ, पुलिस को हमने शिकायत दर्ज कर दी है और एप्लीकेशन दे दी है पुलिस को। क्या कार्रवाई हुई? बस कार्रवाई चल रही, वो भी कोशिश कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं। असल तो ये है कि वो जो हमारा साथी है हमें वो मिल जाए। क्या लगता है कि एक तरफ तो बस ये कुछ चंद लोग हैं जो आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बस उन्हीं की वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, वरना हमारे यहाँ तो भाईचारा बहुत अच्छा है। और हम चाह रहे हैं जो लोग ऐसे माहौल को ख़राब कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पानी का जग जहाँ से पानी पिया, यहीं से पूरे मामले की शुरुआत हुई और ये विवाद बाद में इतना बढ़ गया कि इसमें मारपीट भी शामिल है। आपको बता दें कि जमात का एक साथी लापता बताया जा रहा है, जिसको रात पर ढूंढने का प्रयास किया लेकिन अभी तक वो नहीं मिला। सर, कल होटल में जमातियों के साथ मारपीट की गई है, क्या पूरी सच्चाई है इस घटना की? सर, ये जमाती जो आगरा गए थे घूमने, वापिस आ रहे थे, इन्होंने यहाँ होटल चौक पे पानी पीने के लिए रुके, जिसने जमाती ने वो लोटा से पानी पिया, मुँह लगा के वही लोटा उसमें वापिस डाल दिया। वापिस वहाँ पब्लिक खड़ी थी, उन्होंने इस बात का एतराज़ उठाया, भाई आपने झूठा बर्तन इसमें क्यों डाला। इस बात पे इनका झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई थी, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। और आरोप एक साथी भी लापता बताया जा रहा है सर जमात का। ये तीन साथी इनके पैदल भगे थे, दो आदमी तो पहुँच चुके हैं, एक के बारे में बता रहे हैं अभी पहुंचा नहीं है, तो उसकी भी हम तलाश करें किसी गांव में रुका हो रात को। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? उन्होंने 10-12 लोग लिखे अननोन। कौन कौन सी धारा इसमें लगाई गई है? धारा जो उसके कंडेंस जो लिखे हैं उसी के ऊपर लगाई गई है। इस पूरे मामले में अच्छी बात यह है कि मौलाना लुकमान ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत भाईचारा है, आपस में लोगों का प्यार है, लेकिन चंद लोग इस नफरत की दीवार को खड़ी कर भाई भाई के बीच दूरियां पैदा करना चाहते हैं। और पुलिस ने भी भरोसा दिलाया है कि वह तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं, निश्चित ही जल्दी इसके परिणाम सामने होंगे। फिलहाल इलाके में शांति है और पुलिस अपने काम में जुटी हुई है। हरियाणा न्यूज़ से जुबेर खान की रिपोर्ट।